अच्छा लगता है। मशीनों से खींचती सांस, फिरता घायल पड़ी है आज भी आजाद और भगत सिंह की आत्मा, घायल पड़ी है आज भी आजाद और भगत सिंह की आत्मा। सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत के, असत्य पर सत्य की जीत के, करे कड़ी मेहनत मुश्किलें लगे आसान, नई तकनीकों का भारत में हो प्रावधान, विदेशी चीजों पर निर्भरता को हो समाधान, आओ करें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। सुई से जहाज, मैं यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गया हूँ, लेकिन आज भी हिंदी और भारत से संबंधित अध्ययन पहले की तरह जारी रखता हूँ। इसी वजह मेरे लिए ये अत्यंत गौरव और हर्ष की बात ही है कि विश्व हिंदी दिवस 2024 के अवसर पर मुझे यहाँ इस समारोह में आमंत्रित किया गया है और ऐसे भाषण देने का मौका भी दिया गया है। मैं गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जापान भारत संबंध के इतिहास में हमारी यूनिवर्सिटी और यहाँ के मास्टर पास आप आ जाए, फिर मास्टर हार्दिक का जोरदार ताली हो जाइए। हरिका लक्ष्मी रविशंकर, उसके बाद मिस सानवी, बच्चे जो नहीं बात हो रही मिस जानवी, जानवी उसके बाद एक बार पुनः आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बधाई। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जानवी श्रीवास्तव GIIS की छात्रा अपने अन्य सहपाठियों के साथ आप सभी का ध्यान हिंदी भाषा की ओर आकर्षित करना चाहती हूं और हम इस मंच के द्वारा आप सभी का परिचय हिंदी भाषा के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से करवाना चाहेंगे। हिंदी दिवस के अवसर पर यह महत्वपूर्ण है कि हम हिंदी भाषा के महत्व को समझें और इसके प्रमुख योगदानकर्ता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में जानें। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को राष्ट्रकवि कहा जाता है और उन्हें हिंदी साहित्य के प्रबंधकारी और समृद्धि से भरपूर कवि के रूप में याद किया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 में बनारस के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु उनकी उपाधि थी। उनके पिता गोपाल चंद्र जी भी एक कवि थे जो गिरधर दास के नाम से कविताएं लिखा करते थे। भारतीय नवजागरण की मशाल को थामने वाले भारतेंदु नमस्कार, मैं जानवी श्रीवास्तव GIIS की छात्रा अपने अन्य सहपाठियों के साथ आप सभी का ध्यान हिंदी भाषा की ओर आकर्षित करना चाहती हूं और हम इस मंच के द्वारा आप सभी का परिचय हिंदी भाषा के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से करवाना चाहेंगे। हिंदी दिवस के अवसर पर यह महत्वपूर्ण है कि हम हिंदी भाषा के महत्व को समझें और इसके प्रमुख योगदानकर्ता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में जानें। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को राष्ट्रकवि कहा जाता है और उन्हें हिंदी साहित्य के प्रबंधकारी और समृद्धि से भरपूर कवि के रूप में याद किया जाता है। क्या तुम्हें यह पता है कि भारत में लगभग 400 बोलियां प्रचलित हैं? बोलियों को उपभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है।
हिंदी राष्ट्रभाषा है। इसको बोलने और समझने वाले पूरे देश में फैले हुए हैं। यदि हिंदी का कोई विरोध हो तो वह केवल राजनीतिक स्तर तक ही सीमित है। इसके और हाँ, हमारे यहाँ उच्च शिक्षा का लगभग संपूर्ण अध्ययन अध्यापन अंग्रेजी में होता है। बड़ी बड़ी संस्थाएं एवं प्रतिष्ठा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना सर्वथा उचित समझते हैं। वास्तव में पूर्व ग्रहों से परे स्वस्थ चिंतन ही किसी भाषा को दुनिया में प्रतिष्ठा दिला सकता है। नवजागरण और स्वतंत्रता संग्राम के स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे नेता नन्हे नन्हे बच्चे विदेशी भाषा की उंगली पकड़कर नए सिरे से चलना सीखते हैं तो न वो भाषा समझ पाते हैं और न विषय। उसकी मौलिक प्रतिभा मनोबल सबका हनन हो जाता है। गांधी जी कहते थे कि एक व्यक्ति का मौलिक चिंतन हमेशा मातृभाषा में होता है। इसलिए जब कोई विदेशी भाषा उन पर थोपी जाती है तो उसका मौलिक क्षमता खरास होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका वास्तविक प्रतिभा कभी भी उभर कर सामने नहीं आ पाती है और जीवन भर सम्मान से सर नहीं उठ पाता है। बार बार असफलता उनके हाथ लगती है। जब तक हिंदी भाषा या हिंदी के साहित्य का सुस्थिर दृष्टिकोण से हीन भावना से मुक्त होकर हिंदी के लिए ठोस कार्य नहीं करेंगे तब तक हिंदी अपना खो हुआ सम्मान वापस नहीं पा सकेगा और देशवासी अपना पूरा मौलिक योगदान नहीं दे पाएंगे। इस कारण से जितना हमारा देश प्रगति कर सकता है उतना नहीं कर पाएगा। मीरा केशव जायसी तुलसी सूर कबीर, मीरा केशव जायसी तुलसी सूर कबीर, किस भाषा की है भला हिंदी सी तकदीर, किस भाषा की है भला हिंदी सी तकदीर। शब्द शब्द संवेदना अक्षर अक्षर प्यार, शब्द शब्द संवेद। अंतिम दोहे के साथ पूर्ण विराम देना चाहूंगी। कथनी के कुछ अर्थ है करनी के कुछ अर्थ, कथनी के कुछ अर्थ है करनी के कुछ अर्थ। सौ सौ हिंदी दिवस भी ऐसे में है व्यर्थ, सौ सौ हिंदी दिवस भी ऐसे में है व्यर्थ। अरे परिंदे छोड़कर निज बोली है अनमोल, अरे परिंदे छोड़कर निज बोली है अनमोल। कब तक बोले गा भला तू उधार के बोल, कब तक बोले गा भला तू उधार के बोल। के महत्व को हमारे बीच में रखा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक बार और जोरदार तालियां। हिंदी को इसी तरह से जापान दी जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारा जो कार्यक्रम